ये वीडियो को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में रात के समय एक सिक्योरिटी गार्ड ने लिया है। इस वीडियो में एक काली आकृति चंद सेकंड के लिए दिखाई देती है और जब गार्ड उसे वहां देखने जाता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। कहा जाता है कि कई साल पहले एक लड़की ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और यह भूत उसी लड़की का है। अब यह वीडियो कितनी सही या गलत है इसका तो कोई भी प्रमाण नहीं है। इस वीडियो को इंग्लैंड के सैंडुस टाउन की एक तेज नमक बिल्डिंग में लिया गया था जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और उनकी टीम यहां खोजबीन कर रही थी। इतिहास के अनुसार 1582 से इस बिल्डिंग का इस्तेमाल जेल के तौर पर किया जाता था और इसे उन औरतों की जेल माना जाता था जिन्हें बिना किसी उचित कारण के मौत के घाट उतार दिया गया था। ब्राउन ने बताया कि इस बिल्डिंग में छानबीन के दौरान उनके साथ अजीब घटनाएं घटी। उन्हें सीढ़ियों पर अजीब आवाजें सुनाई देती थी। उन्हें ये भी लगा कि जैसे उन्हें कोई छू और काट रहा है, पर यह तो कुछ भी नहीं था। सबसे भयानक घटना तब हुई जब एक रात रेवन अपनी टीम को बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरा से देख रहे थे। Faces completely changed. Doesn't even look like a person. Right, Debbie, you need to come down here for a minute, please. वीडियो में एक महिला का चेहरा डरावने तरीके से बदल गया। उसकी नाक बढ़ गई और होंठ हद से ज्यादा पीछे खींच गए। ये सब कैमरे के सामने हुआ। तो क्या ये आत्माओं के होने के संकेत थे या फिर रोशनी की खराबी की वजह से ऐसा हुआ? आपको क्या लगता है? सितंबर 14, 2003 की इस वीडियो को विंगेट होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में लिया गया था। होटल की सिक्योरिटी टीम को रूम नंबर 2019 की जांच के लिए कहा गया क्योंकि होटल में लोग शिकायत कर रहे थे कि उस कमरे से लगातार किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। चिंताजनक बात यह भी थी कि उस कमरे में कोई बाथरूम भी नहीं था, तो यकीनन किसी को भी वहां नहीं होना चाहिए था। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड रूम के अंदर गया, चिल्लाने की आवाजें बंद हो गईं और तभी एक अजीब सफेद छाया कमरे से बाहर निकलती दिखाई दी। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि कमरे का सारा सामान उथल पुथल हो रखा था, पर अंदर कोई भी नहीं था। बाकी आप क्या सोचते हैं? अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा।